गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगैंड, मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम, आयन सब डिस्कस कर लिए थे। तो अब हमें लिगैंड का टाइप पढ़ना है और फिर हम आ जाएंगे बीबीटी पर। लिगैंड क्या होते हैं बच्चों? द स्पीसीज डैट डोनेट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर कार्ड लिगेंड। आर कार्ड लिगेंड, ये डिफिनेशन तो हमने पढ़ ही लिया था। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड दो तरह से पढ़ते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो चलिए वन बाय वन दोनों देख लेते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पहला नेगेटिव चार्ज लिगेंड, वो लिगेंड जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं कौन कौन? F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, और ऑक्जिलेट आयन। इसी को आप ऐसे लिखते हो, देखो सी टू ओ फोर टू माइनस। दूसरा न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड वो लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं हो, जैसे ईएन एथिलीन डाइएमाइन, डाई एथिलीन ट्राइएमाइन, और कौन होगा? सीओ होगा। ये ऐसे लिगेंड है जिन पर कोई चार्ज नहीं है। तीसरा आओ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, कौन है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे एनओ प्लस, जैसे हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन आप जानते हैं ना, इसको कहते हैं हाइड्राजीन, एनएच टू एनएच टू, एक लोन पेयर यहां एक यहां। प्रोटॉन दिखा, इसने अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर दिया, क्या मिला? एनएच टू एनएच थ्री प्लस। इसका लोन पेयर अभी भी रहेगा, इसका लोन पेयर चला गया, अब यहां लोन पेयर हम नहीं दिखा सकते। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये रहा। टू क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, उस पर ध्यान दीजिए, रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटाएं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिखें। सेकंड है बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। एक चीज और, वाया सिग्मा बॉन्ड, वाया सिग्मा बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड वाया सिग्मा बॉन्ड, इस पे ध्यान रखना, टू सेंट्रल मेटल एटम आज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो इसे हम कहते हैं बच्चा आपकी डेंटिसिटी, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो इसके बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं? पांच टाइप के। पहला मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड कौन है? वो लिगेंड जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को देते हैं, लिगेंड डेट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, उन्हें कहते हैं मोनोडेंटेड। कौन कौन होगा मोनोडेंटेड? जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर केवल दे सके, ओ एच माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस,
आई माइनस, ये सब होते हैं बच्चा मोनोडेंटेड, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अगला ये सबको रफ करते हैं, अच्छा नीचे लिख देते हैं, बाइडेंटेड नीचे आ जाएगा। बाइडेंटेड कौन होते हैं, लिगैंड डेड डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, कैसे देंगे वाया सिग्मा बॉन्ड, ये डिफिनीशन को ध्यान में रखना, वाया सिग्मा बॉन्ड ही देंगे, ठीक है। एग्जांपल एथिलीन डाइअमाइन ईएन हो गया, बाइडेंटेड होता है और ऑक्जिलेट, अच्छा ईएन तो आप कल देख ही चुके हैं प्रीवियस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर इसका, ऑक्जिलेट आयन C2O42- COO- COO-, मेटल आयन को ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अगला ग्लाइसिनिटो GLY, ग्लाइसिनिटो CH2NH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, मेटल आयन को यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां से भी मिलेगा। ग्लाइसिनिटो मैं पूरा नाम लिख दूं, GLY CINATO, देख लो आपके सामने है। एथिलीन डाइअमाइन कल आपने देखा ही था, ऑक्जिलेट आयन आपने देख ही लिया, फार्मूला देख लीजिए, और ग्लाइसिनेटो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, नाम पूरा और ये फार्मूला रहा, एक लोन पेयर इसका एक लोन पेयर इसका, इसीलिए इन्हें कहते हैं बाइडेंटेड। इनके जो है इनके बॉन्ड करने के दो तरीके हैं, दो मेटल हैं, दो साइट हैं, ठीक। अच्छा ऐसे लिगैंड को हम चिलेटिंग लिगैंड भी कहते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट पे, चिलेटिंग लिगैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए ये एक रिंग बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर की रिंग बना रहे हैं, पांच मेंबर की ये रिंग बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं चिलेटिंग लिगैंड, लिगैंड दैट मेक रिंग विद सेंट्रल मेटल आयन, इसीलिए आप देखो ये चिलेटिंग लिगैंड है। मैं यहां लिख देता हूं दैट मेक्स अ रिंग विद सेंट्रल मेटल आयन या एटम आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगैंड। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। GLY हो गया आपका, आपका हो गया ट्राइन हो गया, उसके बाद ट्राइन नहीं बोलेंगे, आपका हो गया EDTA हो गया, तो ये सब क्या, अच्छा EDTA मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये पॉलीडेंटेड में आता है तीसरा टाइप, तो थर्ड टाइप क्या है, पॉलीडेंटेड लिगैंड। लिगैंड डेट डोनेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन पेयर विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगैंड। पहला एग्जांपल जो मैंने कल बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में ट्राइईन, इसका फार्मूला इसका रिप्रेजेंटेशन सब मैं बता चुका हूं, डाइएथिलीन ट्राइअमाइन, इसको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। आज जो हमें पढ़ना है वो है EDTA 4- एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। अब देख रहे हैं इसके डेंटिसिटी हो गई है 6, मैं अभी दिखाने जा रहा हूं इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा, अभी इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करेंगे तब पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर और इसकी डेंटिसिटी। आइए अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर EDTA 4- का, नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, फिर CH2-
तो मेटल आयन को कौन कौन इलेक्ट्रॉन देगा आपको बता दें, एक ये है जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर इससे मिलेगा, दूसरा पेयर इससे मिलेगा, तीसरा पेयर ये वाला होगा, चौथा पेयर इससे मिलेगा, पांचवा इससे मिलेगा, छठा इससे मिलेगा। बच्चों इसे कहते हैं हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा डेंटेड डेंटेड लिगेंड। इसकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चों? 6 है, 6 इसकी डेंटिसिटी है 6। ये रहा पूरा इसका स्ट्रक्चर। EDTA 4-, आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके हर एग्जाम के लिए ये स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी डेंटिसिटी कौन कौन सा पेयर ये डोनेट करेगा, एक ये करेगा, दो ये, एक ये करेगा, एक 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 एक, सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे मेटल आयन के साथ, सब एक साथ डोनेट करेंगे। और जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब आपने कल पढ़ा था ना कि अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जाना है तो हमें 6 अमोनिया चाहिए, 6 क्लोराइड चाहिए, 6 ब्रोमाइड चाहिए, लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जाने के लिए EN हमें 3 ही चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जाने के लिए ट्राई इन हमें 2 ही चाहिए, लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जाने के लिए EDTA 4- 1 ही चाहिए। ये अकेला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेगा, क्यों? क्योंकि यहां से एक पेयर, यहां से यहां, यहां 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, EDTA 4- का एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल आयन को। वन मॉलिक्यूल ऑफ EDTA 4- डोनेट्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो कह लो। अब देखो इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी है 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जाना है तो एक ही मॉलिक्यूल काफी है, ठीक। ये तो था आपका बच्चों पॉलीडेंटेड। अगला क्या है? एम्बीडेंटेड। चौथा एम्बीडेंटेड, अब ये एम्बीडेंटेड क्या है? एम्बीडेंटेड का मतलब लिगेंड डेट हैज, यहां रुकिए पहले एक शब्द मुझे लिखने दीजिए, मेन चीज में नहीं लिखा, मोनोडेंटेड लिगेंड डेट हैज टू डोनर साइट बट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर एट ए टाइम आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट है लेकिन एक बार में एक ही से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, वो होते हैं एम्बीडेंटेड। एग्जाम्पल SCN-, एक बार ये या तो नाइट्रोजन से करेगा CS-, या तो एक बार में सल्फर से करेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक ही बार में दोनों से करते हैं तो वो संभव नहीं है, ये बाईडेंटेड नहीं है, ये मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड ऐसा लिगैंड जिसके पास दो दो डोनर साइट हो। अच्छा NO2-, एक बार मेटल नाइट्रोजन से करेगा, एक बार ऑक्सीजन से करेगा, एम्बीडेंटेड, ये मोनोडेंटेड है, ठीक। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज जो थोड़ा सा आपके सिलेबस के ऊपर है, लेकिन अब MO डायग्राम तो आप पढ़े नहीं है, अभी आपके सिलेबस में है भी नहीं। सल्फर और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा गैप बढ़ गया। अगर मैं यहीं CN- लिख दूं तो गैप और ज्यादा बढ़ गया कार्बन और नाइट्रोजन का। यह चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो कंक्लूजन लिखवाना है वो मैं अभी लिखवा दूंगा। यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन का जो MO डायग्राम है उनके बीच में गैप और बढ़ गया और लास्ट CO। गैप इतना ज्यादा हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कि यह एम्बीडेंटेड माना ही नहीं जाता, केवल कार्बन ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ऑर्डर अगर मैं लिखूं एम्बीडेंटेड कैरेक्टर का, एम्बीडेंटेड नेचर का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं
सबसे पहले आएगा HCN माइनस, सबसे बेस्ट एम्बिडेंटेड यही है, यही में हो सकता है पूछ दे ऐसा सवाल, एम्बिडेंटेड सबसे अच्छा यही है, उसके बाद ये है, उसके बाद CN माइनस अच्छा नहीं है, फिर CO, ये तो नॉट एम्बिडेंटेड, ये तो एम्बिडेंटेड है ही नहीं, जब भी करेगा कार्बन ही करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कार्बन ही देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, होमो पे कार्बन का ही कंट्रोल है, ये एम्बिडेंटेड कैरेक्टर है आपका, ये है आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये पूरा है। ठीक, अगला लास्ट फ्लेक्सीडेंटेड, लास्ट है आपका फ्लेक्सीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड दैट कैन चेंज, दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर डेंटिसिटी, देयर डेंटिसिटी आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, उन्हीं को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जो अपनी डेंटिसिटी या तो बढ़ा लें या तो घटा लें। एग्जांपल बताएं, EDTA 4 माइनस, अभी स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना दें, ये है ना डेंटिसिटी 6 है ना, अगर एक प्रोटॉन यहां पे ऐड कर दें डेंटिसिटी 5 हो जाएगी, एक और प्रोटॉन ऐड कर दो डेंटिसिटी 4 हो गई, अब यहां से आपको लोन पेयर नहीं मिलेगा, एक और प्रोटॉन ऐड कर दो, एक और कर दो, 6 था डेंटिसिटी, कम होके 5 हुई और कम होके 4 हुई, 3 2, अब यही दो लोन पेयर हैं जो डोनेट होंगे, दोनों नाइट्रोजन ही डोनेट करेंगे, डेंटिसिटी घटती गई ना, ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं हाइपोडेंटेड लिगेंड, हाइपोडेंटेड लिगेंड, ये वो लिगेंड हैं जिनकी डेंटिसिटी हम डिक्रीज कर सकते हैं, इनका नाम है हाइपोडेंटेड लिगेंड, यहां से यहां तक। अगला बोले नाइट्रेट आयन, बस लास्ट है, इसके बाद आपका लिगेंड खत्म, हम बीवीटी की तरफ आ जाएंगे, लास्ट है आपका हाइपरडेंटेड, हाइपो आपने पढ़ लिया ना, जिनकी डेंटिसिटी घट सकती है, हाइपर जिनकी डेंटिसिटी बढ़ती है, नाइट्रेट आयन, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, आपने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर सीखा होगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ पे माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है, ये रहा स्ट्रक्चर। अब हमारे सामने अगर मान लो ट्रांजिशन मेटल आयन है AN+, जहां AN+ क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन, वहां पे ये मोनोडेंटेड है, बस ये है मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, लेकिन अगर यही ए इनर ट्रांजिशन यानी ए ब्लॉक का कोई एलिमेंट होता तब क्या होता, ऐसे में एक पेयर ये देता एक पेयर ये देता, अगर BN+ तुम्हारा इनर ट्रांजिशन मेटल आयन है, मतलब F ब्लॉक का कोई आयन है, और ये D ब्लॉक, तब यहां डेंटिसिटी कितनी होती, बाइडेंटेड, क्या होता, बाइडेंटेड, ये हो गया बाइडेंटेड, ये तो था आपका लिगेंड, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, आपका टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस पे 5 तरह के लिगेंड, मोनो बाई पॉली, उसके बाद MB और फ्लेक्सीडेंटेड, तो ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी बढ़ जाती है 1 से 2 हो गई, उन्हें हम कहते हैं हाइपरडेंटेड लिगेंड, उसके पहले क्या था, हाइपोडेंटेड लिगेंड, जिनकी डेंटिसिटी घट जाती है। बच्चों इसी के साथ आज की क्लास ओवर।